हेलो एवरीवन, इस लेक्चर में हम लोग क्या देखेंगे, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, तो उससे मतलब उसको स्टार्ट करने से पहले, उसका डेफिनेशन देखने से पहले एक एक्टिविटी देखते हैं। जैसे मान लो क्या है, ये एक टेबल है, और ये एक सरफेस पे रखा हुआ है। मान लो अर्थ है, सरफेस पे एक टेबल रखा हुआ है, और पास में एक क्या है, बॉल रखा हुआ है, ठीक है, फुटबॉल मान लो, बॉल मान लो, कोई बॉल, एक और बॉल किसी पर्सन ने क्या किया, इसको उठा करके नीचे से टेबल पे रख दिया, ठीक है। कोई पर्सन या कोई स्टूडेंट एक बॉल को उठा करके टेबल पे रखा इसे ऐसे, तो जब उसने ऊपर रखा तो इसके अंदर क्या हुआ, इस पर फोर्स लगाया, उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो उस पर्सन ने क्या किया, या उस पर्सन ने क्या किया, इस पर वर्क किया। अब देखो, जब ये बॉल नीचे रोल करता हुआ नीचे आएगा, ये नीचे आएगा, अब ये बॉल नीचे आया, ये इस पर फोर्स लगाएगा, जब ये बॉल नीचे आएगा रोल करता, वो ये इस पर फोर्स लगाएगा और ये मूव करेगा। तो देखो, ये वाला बॉल ने क्या किया, यहाँ पे जब इस पर फोर्स लगाएगा, इसका डिस्प्लेसमेंट होगा, तो ये वाला बॉल ने क्या किया, कुछ वर्क किया। अब देखो, हमें बताया क्या, एनीथिंग कैपेबल ऑफ डूइंग वर्क पोजेस एनर्जी। मतलब अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट है या कोई बॉडी अगर वर्क कर सकता है, तो उसका मतलब क्या, उसमें एनर्जी है। तो इसमें एनर्जी कहाँ से आया, इस वाले बॉल में एनर्जी कहाँ से आया, तो देखो इसमें एनर्जी कहाँ से आया, इसमें जो वर्क किया गया था, किसने, जो स्टूडेंट ने या पर्सन ने उसको उठाकर ऊपर रखा, तो बेसिकली उसने क्या किया, वर्क किया। वो किस फॉर्म में यहाँ स्टोर हो गया, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। अब पोटेंशियल एनर्जी वापस जब आया, ये इसको मतलब ये जब इस पर इम्पैक्ट किया या इस पर फोर्स लगाया, तो ये क्या किया, वापस से वर्क किया इस पर। तो देखो यहाँ पर क्या होता है कि अगर मान लो किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर रख दिए, तो उसमें क्या आ गया, पोटेंशियल एनर्जी आ गया। तो यही ये जो होता है ना, एनर्जी एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी बाय द वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन, इसको क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। देखो इसका डेफिनेशन क्या है, द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन। और अच्छा डेफिनेशन बोले तो, और शेप और कॉन्फिगरेशन इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी। शेप और कॉन्फिगरेशन के कारण भी आता है जो एनर्जी, उसमें क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। अब देखो शेप का कैसे बताएं, शेप का जैसे मान लो क्या है कि एक ये स्प्रिंग देखो, इस टाइप का स्प्रिंग है। अब इसका एक एंड को यहाँ पे ऐसे लगा दो, ठीक है। अब इसको क्या करो, इस पर इधर एक ब्लॉक बांध दो, स्प्रिंग देखे हो ना, पेन स्प्रिंग वाला आता है, पेन उससे निकालो स्प्रिंग, इस टाइप से इधर ब्लॉक लगा दो। अब इसको क्या है कि ना, इस पर फोर्स इधर लगाओ, इस वाले ब्लॉक को इधर खींचो और खींच करके इसको रिलीज कर दो, तो देखो ये इधर आएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, इसका शेप में चेंज आया, स्प्रिंग को क्या किए तुम, एलोंगेट किए, ठीक है, स्प्रिंग को क्या किए, एलोंगेट किए। एलोंगेट करने से क्या हो गया, इसमें इसका शेप में चेंज आया, उसमें इससे क्या आ गया, पोटेंशियल एनर्जी आ गया। वैसे ही देखो एक एग्जांपल था, चाबी वाला टॉय वाला जो कार होता है टॉय, उसमें चाबी वाला जो होता है, जो टॉय होता है उसमें क्या होता है, चाबी अपन भरते हैं तो क्या होता है, वो मूव करने लगता है। तो वहाँ पर भी क्या है, उसके अंदर स्प्रिंग होता है, इस फॉर्म में स्प्रिंग होता है, देखो इस फॉर्म में स्प्रिंग होता है, और उसको अपन क्या करते हैं, जैसे ये अभी इलोंगेटेड है, इसको क्या करते हैं, ऐसे करके कंप्रेस कर देते हैं चाबी भर के, और जब ये धीरे 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 खुलता है स्प्रिंग, तो उससे क्या होता है, वो वहाँ पे वर्क करता है। तो देखो कुछ एग्जांपल देते हैं, वाटर स्टोर्ड इन डैम हैज़ पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इट्स पोजीशन। अब देखो डैम में क्या होता है, जैसे मान लो ये दो माउंटेन है, इस टाइप से दो माउंटेन है, और इसके बीच में क्या करते हैं, इतना तक क्या करते हैं, वाटर फिल कर देते हैं, ठीक है। जैसे दो माउंटेन है, उसमें क्या किया, वाटर फिल कर दिया। अब क्या है, देखो यहाँ पे मान लो हाइट ऑफ वाटर कितना हो गया, एच। अब यहाँ से क्या होता है, एक पाइप के थ्रू वाटर को नीचे गिरा, मतलब फॉल करवाते हैं, नीचे फॉल कराते हैं किस पर, टरबाइन पे। एक टरबाइन होता है इस टाइप का होता है, इस पर गिराते हैं, वो अलग पार्ट है, सोर्सेस ऑफ एनर्जी में देखेंगे 10th क्लास में। तो जब हाइट से वाटर आता है, तो रनिंग वाटर मतलब हाइट से जब वाटर नीचे आता है, तो उसके पास क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी होता है। वो क्या करता है, इस टरबाइन को रोटेट कराता है, उससे क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है, हाइड्रो एनर्जी जिसको कहते हैं। वाटर स्टोर्ड इन डैम हैज पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इट्स पोजिशन। पोजिशन के कारण इसके पास क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है। अ स्टोन लाइंग ऑन द टॉप ऑफ हिल और अ माउंटेन। अगर मान लो एक स्टोन है, वो हिल पे या माउंटेन पे, जैसे मान लो हिल पे इस साइड में एक स्टोन को यहाँ पे रख दो, तो ये क्या होगा, नीचे रोल करता हुआ आएगा, और मान लो यहाँ पे रोल करता हुआ आया, ये इस पर फोर्स लगाएगा, तो ये भी रोल करने लगेगा। तो स्टोन लाइंग ऑन द टॉप ऑफ अ माउंटेन और हिल पॉजेज
पोटेंशियल एनर्जी किसके कारण, पोजीशन के कारण, इसका पोजीशन को ऊपर कर दिया गया है। अ स्ट्रेच्ड बो एंड एरो हैज पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इट्स शेप। अब देखो शेप में चेंज करने से पोटेंशियल एनर्जी आता है, जो स्ट्रेच्ड बो एंड एरो होता है उसको अपन पीछे खींचते हैं, पहले बो को जब एरो में मतलब बो को स्ट्रिंग में लगा करके सॉरी एरो को स्ट्रिंग में लगा के पीछे खींचते हैं, तब जाके उसको रिलीज करते हैं तो वो क्या होता है आगे मूव करता है, तो वर्क तो करना पड़ता है। तो वर्क जो किए वो जो स्ट्रिंग में क्या है उसका शेप चेंज हुआ, उसके कारण उसमें क्या स्टोर हो गया पोटेंशियल एनर्जी। अ स्ट्रेस्ड और कॉम्प्रेस्ड स्प्रिंग हैज पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इट्स शेप। तो देखो इसके स्ट्रेस्ड स्प्रिंग, स्ट्रेस्ड मतलब खींचा हुआ स्प्रिंग, या कॉम्प्रेस्ड मतलब छोटा कर दो, जैसे स्प्रिंग को दबा दो तो ये कॉम्प्रेस्ड हो गया, जब स्प्रिंग को खींचो तो क्या होगा स्ट्रेस्ड हो जाएगा, तो उसके कारण भी क्या होता है उसमें पोटेंशियल एनर्जी आ जाता है। जैसे मान लो अ वाउंड स्प्रिंग ऑफ अ वॉच हैज पोटेंशियल एनर्जी। पहले के टाइम में देखते हुए HMT का आता था, वॉच आता था, मतलब हमारे जो फादर के टाइम के, तो उसमें क्या होता था चाबी भरते थे घड़ी में, देखते हो गए तो चाबी भरने से क्या करते थे वो स्प्रिंग का जो शेप है उसका, ठीक है, उसको चेन कॉन्फ़िगरेशन को चेंज कर देते थे, उसके बाद क्या वो धीरे धीरे दिन भर चलता रहता था, फिर चाबी ख़त्म हो जाता था, फिर उसको चाबी भरना पड़ता था उसमें घड़ी में, घड़ी में जो लगा रहता ना चाबी, अभी तो उसका कोई काम नहीं, अभी तो उसको क्या है टाइम सेट करने के लिए होता है। अभी जो घड़ी देखते हो उसमें जो चाबी होता है इधर जो लगा रहता है ना छोटा सा, वो चाबी होता है उसका काम है अभी सिर्फ टाइम को सेट करने के लिए, अभी तो बैटरी से चलता है। पहले क्या होता था पोटेंशियल एनर्जी, जो उसके अंदर स्प्रिंग होता था उसको चाबी भरते थे उसमें, तो उसके पोटेंशियल एनर्जी में मतलब उसमें पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली क्या करते थे स्टोर करते थे। तो ये क्या हो गया पोटेंशियल एनर्जी हो गया। अब देखो दो टाइप का पोटेंशियल एनर्जी अपने सिलेबस में है, एक है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और एक है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा अपने सिलेबस में नहीं है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है डिटेल में देखेंगे। देखो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, द एनर्जी पॉजिट बाय द बॉडी बाय द वर्च्यू ऑफ इट्स हाइट फ्रॉम द ग्राउंड सरफेस। मतलब अगर मान लो किसी इस मार्कर को उठा करके मैं सरफेस से, जैसे मान लो ये सरफेस है ग्राउंड, उससे हाइट एच पे ले आया, तो उसके कारण जो उसमें एनर्जी आ गया, जैसे मार्कर को मैं यहाँ से छोड़ूँ तो ये नीचे आएगा, ठीक है, तो उसके कारण जो एनर्जी आता है हाइट के कारण, किसी भी ऑब्जेक्ट या बॉडी को किसी हाइट पे ले जाने के कारण उसमें जो एनर्जी आता है, उसके पोजिशन को चेंज किए तो उसमें एनर्जी आता है, उसको क्या कहते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो अभी इसको नोट करो, इसके बाद देखते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब देखते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, बताई दिया था देखो द एनर्जी पॉजिट बाय अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजिशन डैट इज IE मतलब डैट इज हाइट अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। कितना सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर हाइट ऊपर ले गए हैं किसी ऑब्जेक्ट को या बॉडी को, तो उसमें जो एनर्जी आ जाएगा उसको क्या कहेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इज नोन एज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब देखो जैसे मान लो एक M मास का ब्लॉक है, ठीक है, और ये क्या है सरफेस है, तो इस पे नीचे क्या लगेगा वेट, वेट कितना होता है बताओ, वेट होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, वो क्या होता है mg के बराबर, m मास ऑफ दिस ब्लॉक और g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो कि 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है अगर कुछ भी ना दिया हो। अब मुझे क्या करना है, ये जो ब्लॉक है इसको उठा करके h हाइट पे यहाँ ले जाना है, ठीक है, ऐसे करके उठा करके यहाँ ऊपर ले जाना है, तो देखो इस पे मुझे ऊपर क्या लगाना पड़ेगा फोर्स लगाना पड़ेगा। तो देखो ये F क्या है यहाँ पे, ये जो F क्या है ये वाला अप्लाइड फोर्स जो ऊपर लगा, ये W क्या है वेट, किसके इक्वल होगा mg के इक्वल। तो देखो अब जो आएगा जो मुझे वर्क करना पड़ेगा, वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स। अब बताओ वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा देखो अगर मुझे इससे उठाना है तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क तो यही होता है, अब ऊपर ले जा रहे हैं तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना है जीरो, तो वर्क डन क्या हो जाएगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, सिंपल। तो देखो ऊपर फोर्स कितना लगाना पड़ेगा, देखो नीचे इसमें क्या लग रहा है mg के बराबर, तो ऊपर भी कितना लगाना पड़ेगा mg के बराबर, और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा h हाइट तक ले जाना है, तो हो जाएगा यहाँ से देखो अप्लाइड फोर्स क्या हो जाएगा F into H। अब देखो फोर्स कितने के बराबर होना चाहिए mg के बराबर, तो mgh, तो ये क्या हो गया वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स, जो वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स हुआ यही क्या हुआ यहाँ पे, जो उसके क्या स्टोर हो जाएगा उसके कारण क्या स्टोर हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी। तो देखो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया
पोटेंशियल एनर्जी हो गया इस वाले ब्लॉक का, वो कितना हो गया mgh। क्या हो गया पोटेंशियल एनर्जी mgh। m क्या है मास ऑफ डेड बॉडी, किस में लेना है किलोग्राम में। g क्या है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर कुछ ना दिया हो, अगर 10 दिया तो 10 भी ले सकते हो। हाइट कितना हाइट ऊपर ले गया, ठीक है, पोजीशन के कारण ही तो चेंज होने के कारण जो एनर्जी आता है उसको क्या कहते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो हाइट क्या हो जाएगा यहाँ पे मीटर में लेंगे, तो ये क्या आ गया ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब देखो अगर ये तो क्या हुआ वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स है, अगर वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स देखें तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा। देखो देखो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स वो कितना आएगा बताओ ग्रेविटेशनल फोर्स। अब देखो ग्रेविटेशन वो फॉर्मूला क्या होता है वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, जैसे डब्ल्यू जी ले लेते हैं, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, डब्ल्यू कैपिटल जी, वो क्या आ जाएगा। तो देखो एफ एस कॉस थीटा, ये तो अपना फॉर्मूला होता है सिंपल। यहाँ पे क्या था कॉस जीरो था, यहाँ पे फोर्स भी ऊपर लग रहा है डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर हो रहा है, तो ये कॉस थीटा का वैल्यू वन हो गया था इसलिए यहाँ पे नहीं लिखा। अब यहाँ पे देखो फोर्स ग्रेविटेशन फोर्स कितना लग रहा है एम जी, डिस्प्लेसमेंट कितना होना है एच हाइट, और यहाँ पे देखो एंगल दोनों के बीच में कितना बना। देखो फोर्स नीचे लग रहा है, किसका बात कर रहे हैं ग्रेविटेशनल फोर्स का, तो ग्रेविटेशनल फोर्स बोलो या वेट बोलो, तो फोर्स किधर लग रहा है नीचे, तो ग्रेविटेशनल फोर्स कह रहा है नीचे, और उसका डिस्प्लेसमेंट किधर होना है ऊपर, हाइट तो ऊपर है तो दोनों के बीच में एंगल कितना बना। देखो एंगल बना 180, देखो जैसे यहाँ पे ऐसा है ना, तो दोनों के बीच में एंगल कितना बना, एंगल बना 180। तो देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे कॉस 180 डिग्री। अब देखो कॉस 180 डिग्री क्या होता है माइनस 1, तो क्या आ जाएगा माइनस एम जी एच। तो देखो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स क्या आ जाएगा माइनस एम जी एच, माइनस क्या शो कर रहा है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना बना है 180 डिग्री, तो ये शो कर रहा है। अब इसी को मतलब वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स बोलो, अगर मान लो ये तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स है और ये क्या हो गया वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स, ये क्या है वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स तो नीचे लग रहा है तो इसके अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लग रहा है उसके अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं, तो वो क्या आ जाएगा एम जी एच आ जाएगा। तो यही क्या होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इसको नोट करो। ठीक है, तो यहां तक इसको कंक्लूड करते हैं लेक्चर को, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मतलब वहां पर देखेंगे कैसे काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होता है, पोटेंशियल एनर्जी कैसे वापस काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होता है, आपस में कन्वर्जन कैसे होता है उसका, तो ये देखेंगे। तो अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और कुछ कमेंट अगर कुछ रिकमेंडेशन हो तो कमेंट करो, अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट के साथ क्या करो शेयर करो। थैंक यू।